हेलो दोस्तों, मेरे पास ये सोनी का एक लैपटॉप है जिसमें बैटरी चार्ज नहीं हो रही और मैं यहाँ देखिए क्रॉस बन के आ रहा है बैटरी पे। और मैं यहाँ पर इसका चेक करता हूँ, यहाँ आ रहा है नो बैटरी डिटेक्टेड, मतलब कि बैटरी को डिटेक्ट नहीं कर रहा है लैपटॉप, लेकिन बैटरी ख़राब है। तो मैं आप इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इस बैटरी को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं एक जुगाड़ के तरीके से। तो ये देखिए, ये मॉडल है, ये सोनी का लैपटॉप है और मैं यहाँ से इसकी बैटरी को पहले रिमूव कर लेता हूँ। देखिए बैटरी को मैंने रिमूव कर लिया है। ये मेरे पास कुछ टूल्स हैं, इस बैटरी को हमें ओपन करना है। तो कैसे ओपन करना है वो दिखा रहा हूँ मैं। ऐसे कुछ पेचकस लेके हम यहाँ पे जो लॉक होता है हम इसको ऐसे हल्का सा इसको ऐसे पुश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कवर है ये दोनों अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक ओपनर है, इससे मैं बैटरी को जो यहाँ पर लॉक है यहाँ पर हल्का सा गैप होता है इस पर पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से ना जो इसकी जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देखिए इस तरह से इसको आराम से ओपन करने में कि बैटरी का जो लॉक है वो भी ज़्यादा टूटे नहीं, बैटरी की बॉडी है वो टूटे नहीं, इधर दोबारा इसको ये पैक नहीं कर पाएंगे हम। इसको ऐसे पुश करते जा रहा हूँ तो ये बैटरी का जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। मैं इस तरह इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें जो बॉडी है वो ओपन हो गई है। उसके हमारी बैटरी ओपन हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पर बैटरी है और इसमें देखिए इसमें सेल हैं, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये 6 सेल लगे हुए इसमें। इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इसमें ये 6 सेल लगे हुए हैं, एक ये छोटा सा एक सर्किट दिया हुआ है इसके लिए चार्जिंग के लिए। सेल हैं, इसको हम चेक करते हैं कि ये सही है या खराब हो गए पूरे या प्रिंटेड हुए हैं। मेरे पास एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से मैं एक बैटरी चेक करता हूँ कि ये कुछ चार्ज है भी या नहीं है या डेड है पूरी। ये देखिए जैसे बैटरी है, बैटरी देखिए ये जो प्लेन सरफेस है ये माइनस होता है और ये देखिए यहाँ प्लस होता है। तो हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं बैटरी को। देखिए यहाँ प्लेन सरफेस साइड है तो ये माइनस है और इधर देखिए इधर जो राउंड सा हल्का राउंड होता है इधर ये बैटरी प्लस का है। तो हम यहाँ पर इसको ब्लैक या माइनस है और ये रेड प्लस है हमारा। तो हम चेक कर रहे हैं, देखिए बैटरी 0-0 दिखा रहा है, बैटरी मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, ये बैटरी सब डेड है। इसलिए वहाँ पर जो बैटरी शो हो रही थी वो नॉट डिटेक्टेड हो रही थी कि बैटरी कोई चार्ज नहीं है, सब बैटरी डेड पड़ी है, इसलिए वहाँ पर बैटरी शो नहीं हो रही थी। ये हमारे पास ये बैटरी को चार्ज करने की एक मशीन होती छोटी, इसको हम बूस्टर भी कहते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर पर बैटरी को देखते हैं चार्ज करके, अगर बैटरी चार्ज हो गई तो हमें जो बैटरी रिपेयर कर रहे हैं वो हमें इजी होगा, जल्दी हमारी बैटरी रिपेयर हो जाएगी, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे अगर बैटरी हमें चार्ज नहीं होती है तो। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको सेटअप कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए इसमें पर एक रेड कलर की लाइट है जल रही है, अभी जैसे हम टच करते हैं और डार्क हो जाती है लाइट। ये देखिए तो हम इसको थोड़ी देर इसको दो चार मिनट इसको आप इसको ऐसे टच करके रखेंगे, देखते हैं बैटरी हमारी चार्ज होती है नहीं होती। तो दोस्तों मैंने वैसे बैटरी चार्ज कर देखी, बैटरी हमारी चार्ज नहीं हुई। तो हमारा इसमें दूसरा जो जुगाड़ है हम क्या करेंगे, जो बैटरी है जो सेल है ये इसको हम चेंज करते हैं। दोस्तों चेंज करने से पहले हमें इसको जो डायग्राम है वो पहले हमें बनाना है कि माइनस प्लस हमें कैसे कनेक्टिविटी करनी है,
अगर ये भी हमने माइनस प्लस में गलत कर दिया तो बैटरी हमारी ख़राब हो सकती है, बैटरी उसमें आग भी ले सकती है या हमारे लैपटॉप भी ख़राब सकता है। हमें जो डायग्राम है कैसे बनाना है, देखो मैंने इस बैटरी का डायग्राम इसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है, माइनस प्लस कहाँ हमें कनेक्ट करना है, कैसे करना है। ये देखिए जो हमारा सर्किट है यहाँ पर हमें माइनस प्लस कैसे कनेक्ट करना है वो मैंने देखो डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर वायरिंग कैसे करनी है वो मैंने यहाँ पर मैंने पहले से मैंने बना लिया है। तो दोस्तों मेरे पास ये बैटरी है जो सही बैटरी है, चार्ज जो बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी जो वर्किंग में है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैटरी चार्ज है, ये देखिए मैं आपको चेक कर रहा हूँ बैटरी को। तो दोस्तों मैं एक बैटरी को चेक कर रहा हूँ, सारी बैटरी हमारे पास जो है वर्किंग है, चार्जिंग में बैटरी है। तो बस करना क्या है, जैसे जैसे मैंने आपको जो मैंने डायग्राम बना रखा है, अगर आप भी अभी बैटरी खोलते हैं तो उसका पहले डायग्राम बना लें, उसके अकॉर्डिंग बैटरी को कनेक्ट वायरिंग करें। देखिए ये आपका ये प्लस होता है और ये जो प्लेन सरफेस है माइनस होता है। मैंने देखिए इस हिसाब से मैंने जो डायग्राम बनाया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी तरह से मैं बैटरी को यहाँ रख दूँगा और उसी हिसाब से मैं इसको बैटरी को वायरिंग करूँगा इसकी। दोस्तों मेरी बैटरी यहाँ पर रख दिया और ये देखिए ये मैंने वायरिंग कर दी बैटरी की, माइनस प्लस कैसे कनेक्ट करना है बैटरी को वैसे मैंने करा है। देखिए इसमें दो माइनस और दो प्लस हैं जो हमें सर्किट में जोड़ने हैं। देख इसमें मैंने इसको नाम दिया हुआ है B1 प्लस B2 माइनस और B+। देखिए बैटरी का जो हमारा जो फ्रेम था कवर था मैं इस बैटरी को ऐसे करके सेट कर दूँगा। तो आपको केयरफुली करना हो क्योंकि अगर आप एक बैटरी को अगर गलत टच करेंगे तो बैटरी में आग फूल सकती है, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बैटरी कनेक्ट थी यहाँ पर, उसी हिसाब से हमें बैटरी को यहाँ पर वायरिंग करनी है। देखिए यहाँ पर ये प्लस या माइनस, एक यहाँ प्लस जो हमारा निकल रहा है और एक यहाँ हमारा माइनस, तो हमें इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए सॉल्ड कर दिया, कनेक्ट कर दिया इसको। कनेक्ट करने के बाद आगे हम जिस फ्रेम में जैसे हमें वो सर्किट लगा होता वैसे ही हमें इसको लगाना है। देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर इसको अच्छे से पैक कर लेना है, मैंने टेप से मास्किंग टेप से मैंने इसको यहाँ पर पैक कर दिया, सेट कर दिया। और जो ऊपर का जो फ्रेम जो कवर हमारा लग गया है वो हमें इसको यहाँ पर आराम से केयरफुल यहाँ पर इसको हमें पैक करना है। देखिए हम खोलते वक्त कुछ लॉक जैसे टूट जाते हैं तो हमें उससे घबराना नहीं है, हम इसको ऐसे बराबर करके हम इसे फ्लाई के कस में यूज कर सकते हैं। फ्लाई पिक आपको हल्का हल्का लगाना है तो ये जो कवर है वो चिपक जाएगा, सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पैक कर दिया, थोड़ा हम फ्लाई पिक इस साइड लगा रहे हैं। ये देखिए हमारी बैटरी ये तैयार है, बिल्कुल बैटरी पैक कर दी हमने इसको, बिल्कुल बैटरी तैयार है। अब इस बैटरी को हम चेक करते हैं, ये देखिए लैपटॉप मेरा, तो लैपटॉप में पहले मैं बैटरी को लगा देता हूँ। ये देखिए बैटरी को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, लगा दिया बैटरी को मैं यहाँ लगा दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर ये लाइटिंग भी है चार्जिंग की यहाँ पर, तो हम इसको चेक करते हैं क्योंकि इस समय यहाँ पर लाइटिंग नहीं आ रही थी। देखिए हमने चार्ज कनेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पर जो बैटरी जो चार्ज की लाइट थी वो जल गई है। ये देखिए मैं अनप्लग और प्लग कर रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं अनप्लग किया, बैटरी ऑफ, लाइट ऑफ इसकी, देखिए बैटरी चार्ज हो रही है। अब चलिए मैं इसको ऑन कर दिखाता हूँ आपको, ये मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया, विंडो मैंने थोड़ा सा टाइम दिया इस विंडो से, हम इसको वेट करते हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया, हमारी विंडोज ओपन हो रही है, ये देखिए विंडोज ओपन हो गई हमारी। मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही, हम चेक करते हैं इसको। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, अभी 5% बैटरी चार्ज है। तो ये जो हमने जो जुगाड़ किया था वो सक्सेसफुल हुआ हमारा, ये देखिए बैटरी हमारी ओके हो गई है, बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। दोस्तों ये बैटरी मैंने किसी दूसरे लैपटॉप की बैटरी से
निकाल के सेल चेंज करें तो ये थोड़ा सा देर में चार्ज हो जाएगी, फिर बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो ये जो जुगाड़ था सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।